हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 6 ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 में दे रखा है, इन द गिवन फिगर लाइन सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल टू एसी, जो एक्स वाई है वो एसी के पैरेलल है ट्रायंगल में, एंड इट डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट ऑफ इक्वल एरिया। यानी कि जो ये लाइन पैरेलल लाइन है, ये इसको बराबर दो हिस्सों बांटती है। जितना एरिया मेरे इस वाले पार्ट का है, उतना ही एरिया मेरा इस वाले पार्ट का है। ठीक, जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, इंटू टू इक्वल एरिया। हमें प्रूफ करना है ए एक्स अपॉन में बी एक्स, ए एक्स अपॉन में बी एक्स इक्वल होगा अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन में अंडर रूट टू। मान लो इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल का जो एरिया है, ठीक है, जितना भी है, दोनों के दोनों जितना इसका एरिया उतना ही इसका एरिया है, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो मैं मान लेता हूँ इस पूरे ट्रायंगल का एरिया मेरा एम है, तो ए एक्स वाई सी इसका एरिया भी कितना होगा, एम होगा। और मैं बात करूँ इस पूरे ट्रायंगल के एरिया की, ट्रायंगल ए बी सी की, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया हो जाएगा टू एम। ठीक है, टू एम यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, इसका एरिया एम, इसका एरिया एम, और अगर पूरे का बात करूँ तो कितना एरिया हो जाएगा, टू एम यूनिट स्क्वायर, ये मेरा इसका एरिया आ जाएगा। और हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन पार्ट। गिवन में दे रखा है ट्रायंगल एबीसी, जिसमें एक्स वाई पैरेलल है किसके, एसी के, और ये डिवाइड करती है इसको बराबर दो भागों में। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है ये, क्वाड्रिलेटरल ए एक्स वाई सी, इन दोनों का एरिया इक्वल है, जिसको मैंने मान लिया कि दोनों का एरिया कितना है, एम यूनिट स्क्वायर। ठीक, तो जिसमें मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, एम ए, ये हो जाएगा टू एम यूनिट स्क्वायर। हमें टू प्रूफ करना है कि ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन में अंडर रूट टू, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने दोनों ट्रायंगल लिए, पहले छोटे वाला ट्रायंगल लिया एक्स बी वाई, फिर मैंने बड़े वाला ट्रायंगल लिया जिसका नाम लिखा ए बी सी। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इन्हें बनने वाले जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाते हैं, दो लाइनें पैरेलल हैं, तीसरी लाइन को काट कर जाए तो इनमें बनने वाले जो ये एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये एंगल नंबर वन, वन बराबर होगा टू के। ठीक है, जैसे मेरे ये दोनों एंगल इक्वल है, सिमिलरली ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये लाइन ट्रांसवर्सल करके जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। और याद रखना, इसकी जो शेप बनती है वो एफ की तरह बनती है, चाहे एफ सीधा हो उल्टा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों लाइनों का पैरेलल होना कंपलसरी है। तो एंगल तीन बराबर होगा एंगल चार के, ये तीन और ये मेरा चार। एंगल बी दोनों में आ रहा है, एंगल बी मेरा दोनों में आ रहा है, ठीक, इसलिए कॉमन एंगल हो जाएगा। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल बी एक्स वाई एंड ट्रायंगल बी ए सी, दोनों को ले लिया, एंगल वन बराबर एंगल टू के, एंगल थ्री बराबर एंगल फोर के, दोनों है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल बी इसमें भी, एंगल बी इसमें भी है, ये मेरा हो गया कॉमन पार्ट। तो पहले एंगल आया, फिर एंगल आया, फिर एंगल आया, इस रूल से ट्रायंगल बी एक्स वाई सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ए सी के, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका जो एरिया है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो जाता है। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड दे दी मैंने बी एक्स अपॉन में ए बी, बी एक्स अपॉन ए बी इनके स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। जबकि हमें बी एक्स वाई का एरिया मैंने कितना माना था, एम, यहाँ लिखा है एम। ए बी सी का एरिया कितना था, टू एम इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन में ए बी, इस पर जो स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट, एम से एम मेरा कैंसिल हुआ कितना, वन अपॉन में अंडर रूट टू, वन का अंडर रूट वन होता है तो इस पे आ गया अंडर रूट टू बी एक्स अपॉन में ए बी। इन दोनों टर्म को मैंने माइनस कर दिया वन में से,
ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर देता हूँ मैं वन, इक्वेशन वन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वन, दोनों इक्वेशन को वन में से माइनस कर देता हूँ, वन माइनस अंडर रूट टू, वन माइनस बी एक्स अपॉन में ए बी, ठीक, यहाँ लिखा अंडर रूट टू, नीचे कुछ नहीं, डायरेक्टली बेस इक्वल करने के लिए अंडर रूट टू को वन से मल्टीप्लाई कर दिया, वन का वन आ गया, यहाँ पर ए बी, ए बी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी माइनस में बी एक्स आ गया, ये अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन में अंडर रूट टू, ए बी में से बी एक्स माइनस करेंगे, ए बी में से बी एक्स माइनस कर दिया, क्या बचेगा मेरा, ए एक्स बचेगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने ए एक्स अपॉन में ए बी, और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, अंडर रूट टू माइनस वन अंडर रूट टू इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन में ए बी, ए एक्स अपॉन ए बी, ये मेरा पार्ट आ गया, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 61। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है, थ्रू द वर्टेक्स ऑफ डी अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कोई पैरेललोग्राम ए बी सी डी है जिसके वर्टेक्स डी से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो इंटरसेक्ट करती है बी ए और बी सी को प्रोड्यूस करने पर पॉइंट ई और, यहाँ थोड़ी मैंने लिखने में गलती कर दी, एक ई है दूसरा एफ है, ई और एफ से रिस्पेक्टिवली, तो प्रूफ करो डी ए अपॉन ए ई, एफ बी अपॉन बी ई एंड एफ सी अपॉन में सी डी, ये इसके इक्वलों के बाद में प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मैंने बनाया एक पैरेललोग्राम, याद रखना पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो ये मैंने ए बी सी और डी बना दिया, ठीक। क्वेश्चन बोला कि डी से एक लाइन पास हो रही है और इस तरीके से पास हो रही है वो लाइन कि बी को बी ए को बढ़ाने पर ये पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करता है और बी सी को बढ़ाने पर ये पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, बी सी को बढ़ाने पर एफ पर इंटरसेक्ट करता है और ए बी को बी ए को बढ़ाने पर ई पर इंटरसेक्ट करता है, याद रखना ये मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक। तो ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है, तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है वो लिखते हैं हम, गिवन हमें दे रखा है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं ए बी इक्वल सी डी एंड ए बी पैरेलल सी डी के, नंबर वन दिया। इसी तरीके से ए डी इक्वल बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, नंबर दो, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, एंगल ए डी ए सी इक्वल होगा एंगल बी सी डी के, नंबर तीन, ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, एंगल सी डी ए इक्वल होगा एंगल ए बी सी के, नंबर फोर दे दिया, ठीक। देने के बाद अब मैं मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूव डी ए अपॉन ए ई, एफ बी अपॉन बी ई एंड एफ सी अपॉन में सी डी, ये तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए लिख लिया, अगर इनका यूज़ आगे कहीं होगा तो करेंगे, बाकी करना ना करना इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वरना अगर जरूरत पड़ी तो बाद में करना पड़ता हमें, ठीक है। ये मैंने लिख दिया टू प्रूफ, टू प्रूफ करने के बाद में मैंने ट्रायंगल लिया, पहला ट्रायंगल लिया पूरा बी ई एफ, दूसरा ट्रायंगल लिया डी ए ई, इन दोनों ट्रायंगल को लिया मैंने डी ए ई और ये पूरा ट्रायंगल ये एफ बी और ई ले लिया। देखो इस छोटे ट्रायंगल में भी एंगल ई आ रहा है, इस पूरे बड़े वाले में भी एंगल ई आ रहा है, तो एंगल ई तो हो जाएगा मेरा कॉमन पार्ट, पहला रीज़न हुआ, ठीक। इसे मैं देता हूँ एंगल नंबर वन, एंगल वन एंगल वन दोनों में आ रहा है, इस वजह से इक्वल है। दूसरा रीज़न, ये दोनों साइडें पैरेलल थी, अगर दो साइडें पैरेलल हो तीसरी लाइन को काट कर जाए दो पॉइंट पर तो बनने वाले एंगल होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं, ठीक। और इसकी पहचान होती है एफ, एफ चाहे उल्टा बने सीधा बने अगर एफ नज़र आता है बट दोनों पैरेलल होनी ज़रूरी है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो मेरा ये वाला एंगल, इसे मैं देता हूँ दो, बराबर हो गया मेरा तीन के, एंगल दो बराबर होगा एंगल तीन के। अगर दो ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं सिमिलर। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ई ए डी एंड ट्रायंगल ई बी एफ, दोनों ट्रायंगल में
एंगल वन, एंगल वन कॉमन पार्ट है, एंगल दो बराबर एंगल तीन के है, ये मेरा हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, दो एंगल इक्वल हो गए। इस रूल से ई ए डी ट्रायंगल सिमिलर होगा ई बी एफ के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी इसकी, ई ए अपॉन में हो जाएगी बी ई, डी ए बराबर हो जाएगा मेरा एफ बी के। ठीक, तो यहाँ लिखता हूँ मैं सबसे पहले ई ए अपॉन में हो जाएगा बी ई, इसी तरीके से डी ए अपॉन में हो जाएगा एफ बी। हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं अगर वो सिमिलर है। तो मैं इसमें थोड़ा सा इंटरचेंज करने का काम करता हूँ। ठीक, कैसे, ई को और एफ बी को दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ, मतलब ये ऊपर है तो इसके नीचे आ जाएगी, नीचे तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल टू इक्वल में है, इक्वल में तो क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लो एक तरीके से आप, कि ये नीचे है तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये ऊपर है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसे नंबर दे दिया मैंने 5, यानी मेरा क्या बन गया एफ बी अपॉन में बी ई और डी ए अपॉन में ई ए या ए ई, एक ही बात है। जैसे मैंने इन दोनों को किया है बिल्कुल सिमिलरली, अब मैं इन दोनों ट्रायंगल को लूँगा, ट्रायंगल डी ए ई, दूसरा ट्रायंगल एफ सी डी। ठीक, दोनों को ध्यान से देखना है। सबसे पहले ये दोनों लाइनें मेरी पैरेलल थी, सी डी और ए बी, दोनों पैरेलल को तीसरी लाइन काटती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसे मैं देता हूँ एंगल नंबर 4, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक, ये वाला जो एंगल है मेरा, इसे मैं देता हूँ 5, एंगल 5 बराबर होगा 3 के क्योंकि क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और 3 बराबर किसके है, 2 के है, एंगल 5 बराबर 3 के होगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और 3 बराबर किसके था, 2 के, तो मेरा एंगल 2 और 5 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो मेरा एंगल नंबर 2 बराबर हो जाएगा 5 के। दो एंगल इक्वल आ गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे मेरे, सिमिलर। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ई ए डी एंड ट्रायंगल डी सी एफ, एंगल 1 बराबर एंगल 4 की है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हम प्रूफ कर देते हैं अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल 2 बराबर एंगल 5 क्यों होगा, क्यों होगा उसके पीछे रीज़न बताना आपको, क्योंकि एंगल 5 और एंगल 3 दोनों बराबर थे क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल 2 बराबर 3 ये हमने पहले ही प्रूफ किया था कि एंगल 2 बराबर 3 के है, 3 5 के ही बराबर है और 3 2 के भी बराबर है, तो जिसका मतलब क्या होगा कि 5 और 2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, दो एंगल इक्वल हो गए। तो इस रूल से ट्रायंगल ई ए डी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी सी एफ के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होगी इसकी, वही ई ए अपॉन में डी सी, डी ए अपॉन में एफ सी। तो यहाँ लिखता हूँ मैं ई ए अपॉन में सी डी एंड डी ए अपॉन में एफ सी। करने के बाद इसमें भी हमें थोड़ा सा इंटरचेंज करना है, ऊपर है नीचे आ जाएगा, नीचे है ऊपर चला जाएगा, क्रॉस में चला जाता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा एफ सी अपॉन में सी डी डी ए, ये ऊपर तक आ जाएगा नीचे आ जाएगा, इसे नंबर दे दिया मैंने 6। इनको इंटरचेंज ऐसे किया जा सकता है। फिर मैंने लिखा फ्रॉम 5 and 6, 5 और 6 है, देखो एफ बी, एफ बी अपॉन में किसके बराबर है, बी ई के, डी ए बराबर किसके, ई ए के, इसको छुपा लेते हैं, डी ए बराबर डी अपॉन ई ए किसके बराबर है, एफ सी अपॉन में सी डी के। ये बात हमें प्रूफ करनी थी कि एफ बी अपॉन बी ई, डी ए अपॉन ई ए, एफ सी अपॉन में सी डी, ये दूसरे के क्या इक्वल है। देखो जरा,
डी ए अपॉन में ए ई, एफ बी अपॉन बी ई, एफ सी अपॉन सी डी, एफ सी अपॉन सी डी, डी ए अपॉन ए ई और एफ बी अपॉन में बी ई। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।